हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन में तेलंगाना एवं सूरत में फंसे लोगों को लेकर दो श्रमिक ट्रेनें गुरुवार को पाली पहुंची, जिसमें लगभग 2000 से अधिक यात्री पाली सहित अन्य जिलों के यहां आए हैं। इन सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद में रोडवेज बसों के जरिए गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की सुबह 9 बजे तेलंगाना से ट्रेन रवाना होकर पाली पहुंची थी। वहीं दूसरी ट्रेन दोपहर 3 बजे सूरत से लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर पाली पहुंची है। इन ट्रेनों के जरिए आए सभी यात्रियों की चिकित्सा विभाग की ओर से स्क्रीनिंग करवाने के साथ साथ दस्तावेजों की भी जांच की गई है। लगभग 4 घंटे की प्रक्रिया के बाद इन सभी यात्रियों को रोडवेज की अलग अलग बसों में रवाना किया गया है। ये सभी 21 यात्री रोज अपने घरों में होम क्वारंटाइन रहेंगे। इन दोनों ट्रेनों में पाली शहर व जिले के अलावा सिरोही, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर सहित अन्य जिलों के यात्री पाली पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर इन सभी यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर बंदोबस्त करने के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।